नमस्कार सभी को आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज हम आपके सामने एन क्लास टेंथ की जो चैप्टर सेवन चल रहा है उसकी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं इससे पहले हमने सेवन पॉइंट टू तो तक सभी जो एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कर ली हैं ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में जो सूत्र फॉर्मूले काम में आएंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं तो इसमें जो त्रिबुद का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक बट्टा दो गुना आधार गुणा शीर्षलंब तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और एक समलंब जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है एक बट्टा दो गुणा समांतर बुद्धाओं का योग मतलब जो आमने सामने बुझाएँ हैं उनका योग गुणा उन बुधाओं के बीच की जो दूरी है वो होगा तो ये समलम्ब त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का सेवन पॉइंट थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं शीर्ष मतलब उनके जो बिंदु हैं तो ऐसा एक त्रिभुज है उसमें ये ए बिंदु है ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है ए बिंदु का जो मान है वो अपने पास जो निर्देशांक है वो दे हैं। ये अक्स वन ये अक्स टू फिर ये बी वाले निर्देशांक यहाँ जाएंगे एक्स टू और वाई टू और फिर सी निर्देशांक वाले बिंदु यहाँ जाएंगे मतलब एक्स थ्री वाई थ्री अब हमें इनका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञाते करना है तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला दोनों हम एक साथ करने जा रहे हैं तो देखते हैं इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो हम स्त्री पुद का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं किस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है तो इसमें दे रखा था एक बटा दो गुणा इसमें तीन बिंदु हैं ए बी सी और इसमें जो निर्देशांक है वो है एक्स और वाई सभी में तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले एक्स वन निर्देशाक फिर प्लस एक्स टू का निर्देशांक फिर प्लस एक्स थ्री का निर्देशांक तो ये तो x वाले बिंदु आ गए x में जो जो संख्या हैं वो यहाँ आ जाएंगे जैसे इसमें दो है x1 वन इसमें माइनस एक एक्स टू की जगह आ जाएगा और टू जो है ये एक्स थ्री की जगह आ जाएगा तो ये तो ऐसे आ गए तो ये यहाँ प्लस था ये माइनस इस माइनस एक के कारण ये माइनस का चिन्ह यहाँ हो जाएगा जो यहाँ हमने लिख रखा है ये संख्या में यहाँ बैठा दी फिर इसमें एक तो एक्स वन और एक वाई वन ये बिंदु था ये तो ये वाला हो गया फिर दूसरा बी वाला बिंदु था एक्स टू वाई टू ये हो गया फिर सी नंबर वाले बिंदु में थे एक्स थ्री वाई थ्री तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे वाई टू माइनस वाई थ्री तो ये एक नंबर पर हम इसको पहले करेंगे वाई टू और माइनस वाई थ्री तो वाई टू माइनस वाई थ्री ये ब्रैकेट में आएगा इसकी जगह हमने वाई टू और वाई थ्री तो वाई टू ज़ीरो है और वाई थ्री फोर है तो ये संख्या हमने यहाँ बैठा दी फिर अक्ष टू तो के आगे जो ब्रैकेट है इसमें आगे वाला आ जाएगा y3 थ्री को y1 वन से माइनस करना है तो y3 को y1 से माइनस करना है वाई थ्री है माइनस फोर और y1 है प्लस का तीन है मगर इसमें माइनस करना है तो ये माइनस का तीन हो जाएगा और फिर जो तीसरा x3 के आगे जो आएगा उसमें y1 को माइनस वाई टू से माइनस करना है तो इसमें y1 की वैल्यू जो है वो थ्री है और y2 की वैल्यू ज़ीरो है तो ये माइनस ही करना है फिर हम इनको करते हैं तो एक बट्टा दो फिर इधर चार और जीरो दोनों मिलकर दोनों मिलकर कितने होते हैं चार ही होते हैं फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा एक और आगे चार और कितने हैं तीन तो माइनस चार माइनस तीन दोनों जुड़ माइनस के साथ हो गए फिर आगे प्लस दो ऐसा, का ऐसा आ जाएगा और माइनस तीन को माइनस जीरो करना है तीन में से ज़ीरो घटाना है तो तीन का तीन आएगा तो ये हमने इसका यहाँ तक इसको कर लिया है अब क्या करेंगे अब चार को दो से गुणा करो चार दुनी आठ माइनस सात को माइनस एक से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस होता है और सात को एक से गुणा करते हैं तो सात ही होता है फिर प्लस तीन को दो से गुणा किया छः आ गए इस प्रकार ये एक भट्टा दो तो एक भट्टा दो आ गया इनको जोड़ेंगे तो ये ट्वेंटी वन आता है फिर क्या करते हैं इसको ये कटते नहीं है तो ट्वेंटी वन बाई टू अपने पास आ जाता है अगर हम इसको और छोटे रूप में लिखेंगे तो इसमें दो का भाग देंगे इक्कीस में तो दस पॉइंट पाँच जो है वर्ग मात्रक जो है ये इसका अपने पास आ जाता है दस पॉइंट पाँच यूनिट स्क्वायर तो ये अपने पास ही आ जाता है अब इसका जो दूसरा पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही वो देख लेते हैं इसमें भी ये वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दे रखी थी। ये फार्मूला लगाएंगे एक भट्टा दो एक भट्टा दो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला फिर एक्स वन इसमें एक्स वन कौन सा है माइनस फाइव है तो माइनस फाइव याद रख दिया फिर ब्रैकेट फिर एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स टू की वैल्यू थ्री है तो प्लस थ्री ये आगे रख दिया फिर ब्रैकेट वाला खाली छोड़ दो एक बार वाई वाई वाले खाली छोड़ दो पहले एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है फाइव है तो ये हमने यहाँ लिख दी फिर देखो वाई टू माइनस वाई थ्री तो वाई टू और वाई थ्री इसकी वैल्यू हमने ये ब्रेकेट में रख दी है फिर और वाई थ्री माइनस वाई वन तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी फिर वाई वन माइनस वाई टू इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी अब इनको हम पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं तो माइनस पाँच माइनस दो दोनों जुड़कर माइनस सात हो गए बाकी की संख्या तो ऐसे ही आएंगे पहले ब्रैकेट वाले ही करेंगे और दो और एक जुड़कर कितने हो गए तीन हो गए और इधर कितने थे माइनस एक और प्लस पाँच तो इसमें प्लस पाँच में से माइनस एक गया चार बचे फिर ब्रेकेट बंद हो गया अब इनको गुणा करना है तो माइनस पाँच को माइनस सात से गुणा किया तो सात में जो पैंतीस वो प्लस किया जाएंगे प्लस के पैंतीस आ गए तीन को तीन से गुणा किया नौ आ गए और पाँच को चार से गुणा किया बीस आ गए अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक बट्टा दो तो ये तो ऐसा गया ऐसा आ गया दो इनको जोड़ते हैं चौंसठ आते हैं फिर इनको हम लिखते हैं चौंसठ बट्टा दो चौंसठ में दो का भाग देते हैं तो ये दो छः और दो दूनी चार बत्तीस यूनिट स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा मतलब बत्तीस वर्ग मात्र तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों आंसर अपने पास ही? चुके हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के, के का मान हमें ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संख्य हो सरख्य मतलब एक ही रेखा पर यह बिंदु स्थित हो A, B, C. ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर संरख्य वही होता है जो एक की रेखा पर स्थित हो तो इसमें दो क्वेश्चन है इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम सोल्व करने जा रहे हैं तो देखते हैं इसका सोल्यूशन तो सनख्य जो त्रिभुज होता है उसका मान हमेशा जीरो होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो फॉर्मूला लगाएंगे फार्मूला याद रह गया होगा एक बट्टा दो फिर गुणा कोष्टक एक्स वन फिर कोष्टक, फिर प्लस एक्स टू फिर कोष्टक, फिर प्लस एक्स थ्री फिर कोष्टक तो इस प्रकार ये तो एक्स एक्स तो तीनों आ गए अब पहले वाले कोष्टक में य3, y3 थ्री नहीं y2 टू माइनस वाई थ्री तो y2 टू माइनस वाई थ्री तो y2 टू एक्स वन की वैल्यू तो ये आ गई और y2 टू की वैल्यू ये है और y थ्री की वैल्यू ये है तो ये तो यहाँ आ चुकी है फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा वाई थ्री माइनस वाई वन वाई थ्री की वैल्यू ये है और वाई वन की वैल्यू ये है ये माइनस टू थे और ये माइनस माइनस होकर ये प्लस हो गए फिर तीसरे ब्रैकेट में x3 थ्री वाले ब्रैकेट में आएगा वाई वन माइनस वाई टू वाई वन माइनस टू है और वाई वन जो है वो वन है और बीच में माइनस का चिन्ह इसमें आया ही था अपने जो फो में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की ये लिख ली सेवन एक्स वन है फाइव एक्स टू है और थ्री एक्स थ्री है तो ये फॉर्मूले में हमने इनको लिख दिया अब फार्मूला सोल्व करते हैं जो ब्रैकेट वाले हैं पहले वो करेंगे तो वन माइनस के ये देखा था तो वन माइनस के तो पहले सेवन को वन से गुना किया तो सेवन रहे सेवन को माइनस के से किया माइनस सेवन के फिर आगे वाला के प्लस टू है तो पाँच को पहले के से गुना करो पाँच के हो गए पाँच को दो से गुना करो दस हो गया फिर माइनस दो माइनस एक इनमें से कम करते हैं माइनस दो माइनस एक तो माइनस माइनस वो क्या जुड़ जाएंगे माइनस के कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे और माइनस तीन को प्लस तीन से गुणा करते हैं तो ये माइनस नौ हो जाते हैं और इसमें क्या करेंगे इसमें जो सेवन प्लस का है और टेन प्लस के है, ये दोनों जुड़कर प्लस के सत्रह हो जाएंगे और माइनस सात के और प्लस पाँच के तो इसमें दोनों घट कर माइनस दो के अपने पास रह जाते हैं और ये जीरो जो आया है ये क्या है ये सरखे का जो क्षेत्रफल होता है वो जीरो होता है तो इस बुद्ध के क्षेत्रफल की जगह हमने यहाँ जीरो लिख लिया फिर एक बट्टा दो और आगे ये संख्या हमने लिख ली फिर क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं वज्र गुणा मतलब नीचे की संख्या को जीरो से गुणा करो तो ये जीरो ही रहता है ऊपर वाली संख्या को इससे गुणा करें तो ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है माइनस दो के माइनस दो के आ गया और सत्रह में से माइनस नौ कम किए आठ बजे अब इस माइनस दो के को बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस के दो के हो जाएंगे बराबर आठ फिर इसको हम लिखेंगे के का मान ज्ञात करेंगे तो के, के साथ जो संख्या वो तो नीचे चली जाएगी और बराबर के आगे जो संख्या वो ऊपर चली जाएगी आठ में दो का भाग देंगे तो अपने पास चार आंश आते हैं जो के का मान होगा इस चार को हम के की जगह रखेंगे इस के की जगह रखेंगे तो अपने पास इसका सॉल्यूशन है जाता है तो इस प्रकार ये सेकेंड वाला फर्स्ट तो अपने पास हो चुका है अब फर्स्ट वाले का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में भी वही होगा पहले फॉर्मूला लिखेंगे और ये संख्या बैठा देंगे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री ये तो वह आगे और फिर ये वाई टू माइनस वाई वन वाई थ्री माइ वाई टू माइनस वाई थ्री फिर वाई थ्री माइनस वाई वन फिर वाई वन माइनस वाई टू ब्रैकेट वाले को पहले हल करो तो ये वन आ गया इधर ब्रैकेट वाले को हल किया माइनस छः आए इस ब्रैकेट वाले को हल किया पाँच आए फिर इनको ब्रैकेट के बार वाले से गुणा करो एक को आठ से किया आठ आए माइनस छः को के से किया माइनस छः के आए पाँच को दो से किया दस आए अब इनको वज्र गुणा करते हैं ये जीरो वाला मान यही है जो संखी का क्षेत्रफल होता है वो होता है जीरो और ये एक ही लाइन पर होते हैं तीनों बिंदु ए बी सी तो दो को जीरो से गुणा किया तो जीरो ही आएगा ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है अब क्या करेंगे अब इस माइनस छ के को इधर लाएंगे तो ये प्लस छः के हो जाएगा और ये आगे अठारह हो जाएंगे के का मान ज्ञात करेंगे के के साथ जो संख्या है वो बट्टा के रूप में नीचे जाती है और ऊपर आगे वाली संख्या आ जाती है छः का अठारह में भाग दिया ये तीन बार जाता है तो के की जो वैल्यू है वो अपने पास तीन आ चुकी है इस प्रकार यहाँ तीन रख देंगे तो हमें ये इसका आंसर आ जाता है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शीर्षों ए का शीर्ष ये हो गया त्रिभुज का ऐसे त्रिभुज है ए का शीर्ष ये हो गया बी का शीर्ष ये हो गया और सी का शीर्ष ये हो गया इन त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं इन सभी भुजाओं का जो मध्य मिड पॉइंट है वो ये है इन इस त्रिभुज की जो मिड पॉइंट है वो हमने लगा लिया यहाँ बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा वो ऐसा बनेगा एक का हम डे नाम दे देंगे एक ए कर देंगे एक, एक एफ कर देंगे इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात हमें ज्ञात करना है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस छोटे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमें अनुपात के रूप में लिखना है तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन तो सबसे पहले हमने ये त्रिभुज बना लिया ये तो बड़े वाला त्रिभुज था और इसके निर्देशांक अपने पास पहले से दिए हुए हैं यह जो मिड पॉइंट के आधार पर जो त्रिभुज बना था छोटा इसके निर्देशांक हम किस प्रकार ज्ञात कर करेंगे जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है तो मध्य बिंदु मिड पॉइंट डी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू बटा दो और फिर y1 वन प्लस वाई टू बट्टा दो ये फार्मूला मिड पॉइंट ज्ञात करने का होता है तो अगर हम ए और बी का मिड पॉइंट ज्ञात करते हैं तो इसमें एक्स वन वन वाला तो ए बिंदु हो गया एक्स टू तो टू वाला बी बिंदु हो गया तो इसकी जगह हमने एक्स वन की जगह तो जीरो है जीरो लिख दिया और y x2 की जगह टू है तो टू लिख दिया फिर y वाले में वाई वन तो माइनस वन है माइनस वन लिख दिया फिर वाई प्लस वाई टू कितना है वन है फिर क्या करेंगे दो और जीरो को जोड़ेंगे दो बटा दो ये अपने पास आ गया वाई वाले में माइनस वन प्लस वन ये ज़ीरो होता है तो ज़ीरो बटा दो हो गया दो को दो से काटा तो ये एक बार गया और जीरो में दो का भाग दिया तो जीरो ही आता है तो एक और जीरो ये दोनों निर्देशांक हमें डी मध्य बिंदु के प्राप्त हो गए अब ई जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा ये फार्मूला यूज करने के बाद में एक्स वन इसमें बी और सी ये एक्स वन वाई वन वाला तो बी वाले पॉइंट हो गए और सी वाले हो गए अक्स टू वाई टू तो इस प्रकार हमें अब ये देखने वाले हैं ये तो हो गया एक्स वन वाई वन और ये हो गया एक्स टू वाई टू क्योंकि ई बिंदु हम ज्ञात कर रहे हैं तो ई मिड पॉइंट है तो इसमें एक्स वन तो हो गया दो और एक्स टू हो गया जीरो बटा दो वाई वन हो गया वन प्लस वाई टू है थ्री बटा दो दो को जीरो जोड़ते हैं दो बटा दो हो गए इसका मान इसमें तीन एक चार और नीचे दो चार बट्टा दो हो गए दो में दो का भाग दिया एक बार जाता है चार में दो का भाग दिया दो बार जाता है तो ये एक दो जो है ये ई e की वैल्यू अपने पास आ चुकी है तो ई e जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू यहाँ अपने पास आ चुकी है एक और दो अब एफ जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे उसके लिए सी वाला तो हो जाएगा एक्स वन वाई वन और ए वाला हो जाएगा एक्स टू वाई टू चाहे ए वाला एक्स वन वाई वन मान लो और सी वाला एक्स टू वाई टू मान लो इसमें एक आपको एक्स वन एक्स वाई वन मानना है और एक आपको एक्स टू वाई टू मानना है तो वही फार्मूला हमने लगा दिया और ये हमें यहाँ इन संख्याओं को लिख देते हैं आप चाहे ए वाले को एक्स वन वाई वन मान लेना चाहे बी वाले को एक्स वन वाई वन मान लेना तो इस आधार पर यहाँ अपने जो मानते हो उसी अनुसार यहाँ संख्या आपको लगानी है तो मैंने जो माना है वो दोनों में क्या है एक्स वन और एक्स टू दोनों की वैल्यू यहाँ क्या है ज़ीरो है तो दोनों में जीरो प्लस जीरो बट्टा दो हो गया तो जोड़ेंगे तो जीरो बट्टा दो ही होता है और इसका जो आंसर आता है जीरो में दो को भाग देते हैं जीरो ही आता है फिर माइनस एक ये वाई वन मान लिया और तीन जो है ये वाई टू मान लिया दोनों को जोड़ेंगे माइनस वन प्लस तीन तो माइनस दो आता है और माइनस दो बट्टा दो तो यहाँ दो में दो का भाग दिया तो ये एक बार जाता है तो ये एक जीरो और एक जो बिंदु है ये मिड पॉइंट एफ का निर्देशांक अपने पास आ चुका है तो ये तो हो गए तीनों के मिड पॉइंट अब इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला वही है एक बट्टा दो गुणा एक्सवन फिर ब्रैकेट y2 टू माइनस फिर ब्रैकेट बंद फिर प्लस एक्स टू फिर जो ब्रैकेट आएगा उसमें y3 थ्री माइनस और फिर ब्रैकेट बंद फिर x3 और फिर ब्रैकेट में आएगा y1 वन माइनस तो एक बट्टा दो तो वही आ गए x1 की वैल्यू ये है x प्लस एक्स टू की वैल्यू ये है प्लस एक्स थ्री की वैल्यू ये है तो ये तो एक्स की वैल्यू लिख दी अब वाई की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है तो वाई टू तो है टू और वाई थ्री की वैल्यू है वन फिर वाई थ्री की वैल्यू वन और वाई वन की वैल्यू जीरो फिर वाई वन की वैल्यू जीरो है और वाई टू की वैल्यू टू है तो ये हमने ऐसा इसको बैठा दिया है टू में से माइनस वन की कम किया वन नहीं बचा और एक में से जीरो गए यहाँ एक ही बचा फिर जीरो में से माइनस दो कम किए तो माइनस दो ही बचते हैं फिर इनको बैकेट के बार वाली संख्या से हम गुणा करते हैं एक बट्टा दो ऐसा गया ऐसा आ गया एक को एक से गुणा किया एक आया फिर इधर भी आगे वाला एक को एक से किया एक आया माइनस दो को जीरो से गुणा किया तो ये जीरो है। फिर ब्रैकेट वाली संख्या को जोड़ते हैं दो हो जाती है एक बट्टा दो गुणा दो फिर इसको हम लिख सकते हैं दो बट्टा दो दो में दो का भाग देते हैं एक बार जाता है तो ये एक वर्ग मात्रक मतलब वन यूनिट स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ चुका है कौन से त्रिभुज का जो डी ई एफ मतलब जो छोटा त्रिभुज था उसके निर्देशांक हमने यहाँ लिखे थे अब जो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी वाला उसका क्षेत्रफल देखते हैं तो इसकी ये संख्या हमें क्वेश्चन में दी गई थी ये संख्या हमने यहाँ लिख दिया हैं फॉर्मूला वही रहेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री फिर वाई वन नहीं वाई टू की वैल्यू माइनस वाई थ्री की वैल्यू फिर y3 की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू तो यहाँ प्लस क्यों आया है क्योंकि ये माइनस वन था इस कारण माइनस माइनस होकर यहाँ प्लस हुआ है और ये y1 वन माइनस वाई टू तो ये यह वैल्यू यहाँ बैठा दी फिर पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया इसका माइनस टू आया इसका फोर आया और इसका माइनस टू आया फिर ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से गुणा करते हैं माइनस टू को ज़ीरो से किया जीरो ही आता है चार को दो से किया आठ आता है माइनस दो को जीरो से किया जीरो आता है एक एक बट्टा दो गुणा आठ ये अपने पास आ जाता है इसको हम लिखेंगे आठ बटा दो आठ में दो का भाग देते हैं ये चार बार अपने पास से जाता है दो दो चक्कू आठ तो अनुपात जो रेशियो आया दोनों त्रिलभुज होगा तिलु त्रिभुज डी ई एफ जो छोटा त्रिभुज था उसका तो अपने पास एक आया था और जो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी उसका क्षेत्रफल अपने पास चार आया है तो ये हो गया एक अनुपात चार तो ये अनुपात दोनों त्रिभुजों का अपने पास आ चुका है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन तो नंबर चार पूछ रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो यहाँ एक चतुर्भुज अपने पास होगा जिसके शीर्ष चतुर्भुज के ए जो बिंदु है उसके निर्देशांक ये हैं बी जो बिंदु है उसके निर्देशांक इधर वाले हैं सी जो बिंदु है उसके निर्देशांक ये हैं और डी जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक ये हैं तो पहले हमें जो त्रिभुज है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इसको एक और सी से हम वीकेंड से मिला देंगे तो इसमें दो त्रिभुज हो गए एक त्रिभुज तो ये हो गया एक त्रिभुज ये हो गया दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो उसके बाद में जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अपने पास आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो पहले हम बारी बारी से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञाते करेंगे और उसके बाद इन दोनों को जोड़कर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा तो ये वो चतुर्भुज है जो हमने बनाया था ये इन चारों जो हमें निर्देशांक दे रखे थे वो निर्देशांक लिख दिए ये त्रिभुज फर्स्ट हो गया ये त्रिभुज सेकेंड हो गया तो त्रिभुज ए बी सी मतलब पहले इस फैश वाले का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो फार्मूला क्या है एक बटा दो गुणा एक्स वन फिर ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री तो ये एक्स वन की वैल्यू है ये है फिर वाई वन फिर वाई टू वाई टू की वैल्यू ये है और वाई थ्री की वैल्यू माइनस टू है तो ये वाई टू वाई थ्री की वैल्यू अपने पास यहाँ आ चुकी है फिर प्लस एक्स टू एक्स टू ये है माइनस थ्री तो ये माइनस थ्री एक्स टू हो गया फिर वाई थ्री माइनस टू है और वाई वन कितना है ये माइनस फाइव है तो ये माइनस टू है तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ आ गई फिर प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री की वैल्यू ये वाली है ये यहाँ आ गई और ब्रैकेट में आ जाएगा वाई वन वाई वन की वैल्यू ये है माइनस वाई टू तो माइनस फाइव वाई टू की वैल्यू थी और इसमें माइनस आने से ये प्लस फाइव हो गया क्योंकि वाई टू वाई वन माइनस वाई टू था तो यहाँ जो वैल्यू आई है वो अपने पास माइनस फाइव की आई थी और ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट वाला मिलकर दोनों प्लस क्या हो जाता है और ये फाइव अपने पास यहाँ आ जाता है तो इस प्रकार ये प्लस फाइव आया ब्रैकेट वाले लोग को पहले हल करते हैं माइनस फाइव को प्लस टू आगे दे रखा माइनस फाइव प्लस टू तो माइनस फाइव बड़ा है और प्लस टू छोटा है तो इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस थ्री अपने पास है, आता है फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस टू प्लस टू तो इस दोनों कट जाते हैं जीरो बचता है तीसरे वाले ब्रैकेट में y की वैल्यू माइनस टू प्लस फाइव तो प्लस फाइव में से माइनस टू कम किए प्लस के थ्री आए अब क्या करते हैं ब्रैकेट के बार वाली संख्या से इनको गुणा करते हैं एक बट्टा दो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा चार को तीन से गुणा किया बारह आ जाएगा माइनस माइनस भी गुणा होकर प्लस के हो गए तो ये प्लस के बारह हो गए फिर माइनस तीन को जीरो से गुणा किया तो तीन आए और आगे माइनस का जिनका तो माइनस तीन को जीरो से गुणा किया तो जीरो आते हैं सॉरी तीन को जीरो से गुणा करते हैं किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो ही आती है तो ये माइनस ज़ीरो हो गए तो जीरो में कोई प्लस माइनस नहीं होता यहाँ माइनस था इसलिए हमने लगा दिया तीन को तीन से गुणा करते हैं प्लस के नौ आते हैं अब एक बट्टा दो तो ऐसा का ऐसा हो गया बारह और नौ दोनों जुड़कर इक्कीस हो गए अब दो को इक्कीस से काटते हैं भाग देते हैं तो अपने पास वही संख्या प्राप्त होती है दस पॉइंट पाँच तो हम इसको दस पॉइंट पाँच ना लिख कर इक्कीस बट्टा दो ही एक बार लिख देते हैं फिर त्रिभुज ए सी डी मतलब इस सेकेंड वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो इसमें अक्स वन तो ये ए वाला हो गया सी वालास टू हो गया और डी वाला अक्स थ्री अपने पास हो गया तो उस फॉर्मूले के अनुसार हम यह संख्या वहाँ रख देंगे तो इसमें एक बट्टा दो एक्स वन की वैल्यू ये है प्लस एक्स टू अक्स टू की वैल्यू ये है प्लस अक्स थ्री एक्स थ्री की वैल्यू ये है फिर पहले ब्रैकेट में आओ वाई टू की वैल्यू ये है माइनस वाई थ्री y3 की वैल्यू ये है फिर दूसरे ब्रैकेट में आओ y3 थ्री माइनस वाई वन तो यहाँ प्लस टू क्यों आया क्योंकि माइनस टू जो थे वो y1 की वैल्यू थी और यहाँ माइनस होने से ये प्लस हो गया तो माइनस माइनस प्लस होता है फिर तीसरे ब्रैकेट में आओ y2 की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू माइनस टू है और y2 की वैल्यू माइनस टू है तो माइनस टू होने से ये प्लस टू हो जाता है अब वैक्टिपाले को हल करते हैं माइनस टू माइनस थ्री तो माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस पाँच ये जुड़ कर हो जाते हैं तीन प्लस दो ये प्लस पाँच हो जाते हैं माइनस टू प्लस टू दोनों ज़ीरो हो जाते हैं फिर चार को पाँच से गुणा किया बीस आ जाते हैं प्लस के माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तीन को पाँच से किया पंद्रह आ जाते हैं जीरो के जीरो को दो से गुणा किया जीरो आता है इन दोनों को जोड़ते हैं बीस पंद्रह तो एक बट्टा दो गुणा पैंतीस होता है तो इसको हम काट सकते हैं तो ये पॉइंटों में आ जाएगी मगर हमें पैंतीस बट्टा दो ही इसको रखना है फिर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल तो ए बी का क्षेत्रफल जो आया था अपने पास वो आया था दस इक्कीस बट्टा दो या दस पॉइंट पाँच और ए सी डी का क्षेत्रफल अपने पास आ गया पैंतीस बटा दो मतलब साढ़े सत्रह पॉइंट पाँच तो ये इक्कीस पॉइंट पाँच वाला तो था दस पॉइंट पाँच और ये सत्रह पॉइंट पाँच अपने पास है। आ चुका था दोनों को जोड़ते हैं पाँच पाँच दस दशमलव सात एक आठ दो रे, दो के दो तो ये ऐसे भी अट्ठाईस आंसर आ रहा है और इसको हम इस प्रकार करते हैं दोनों को जोड़ते हैं तो छप्पन भट्टा दो इक्कीस और पैंतीस दोनों जुड़कर छप्पन होते हैं और भट्टा दो क्योंकि एल सी में इसका दो ही आता है तो अट्ठाइस वर्ग मात्र मतलब अट्ठाइस यूनिट स्क्वायर जो है ये इसका आंसर अपने पास है आ चुका है अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा नौ में आपने पढ़ा है अध्याय नौ जिसका उदाहरण तीन था इसमें किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है कि इस प्रकार एक त्रिभुज है ए बिंदु बी बिंदु से बिंदु और इस त्रिभुज की एक मध्य का मतलब सेंटर सेंटर आधार वाले पर हमको सेंटर वो करना है तो इसको हम इससे एक को इस पर मिला देते हैं तो दो त्रिभुज बन गए ये तो एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज तो ये दो त्रिभुजों में विभाजित करती है तो दो त्रिभुजों में इसको बांट दिया था आप यहाँ मिड पॉइंट ऐसे भी इसको बांट सकते थे कैसे भी इसको बांट सकते हैं उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष ये तो ए के शीर्ष हो गए यहाँ वाले और ये बी के शीर्ष हो गए दोनों बिंदु और ये सी के शीर्ष हो गए अब हमें यहाँ का जो शीर्ष आएगा जो डी बिंदु आएगा उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और बाद में हमें इसका सत्यापन करना है तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन तो हम देखते हैं पहले हमने ये त्रिभुज बना लिया है ये डी बिंदु रख दिया इसके निर्देशांक हमें किस प्रकार मिलेंगे तो डी बिंदु जो मिड पॉइंट है उसका निर्देशांक याद करने का फॉर्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू तो बटा दो वाई वन प्लस वाई टू तो बटा दो तो यहाँ जो निर्देशन याद करेंगे इसमें ये तो एक्स वन वाई वन हो गया ये एक्स टू वाई टू हो गया तो तीन एक्स वन है और पाँच एक्स टू है तीन प्लस पाँच बटा दो फिर वाई वन माइनस टू है प्लस वाई टू प्लस टू है तो इसमें माइनस टू प्लस टू ये जीरो होते हैं तो जीरो बट्टा दो हो गया तो अपने पास ये आठ बट्टा दो हो गए दो को आठ से भाग दिया चार बार जाता है जीरो में दो का भाग दिया जीरो जाता है तो ये चार एक जो निर्देशांक मिले हैं ये मिड पॉइंट डी के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले तो हम ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले निकाल रहे हैं तो इसमें तीनों निर्देशाक अपने पास आ चुके हैं एक बट्टा दो गुणा एक्स वन मतलब चार चार आ गया प्लस एक्स टू मतलब इसका निर्देशांक तीन आ गया प्लस एक्स थ्री मतलब चार ये डी वाला निर्देशांक आ गया फिर ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री की वैल्यू रख दी फिर वाई थ्री माइनस y वन की वैल्यू रख दी फिर माइनस वन माइनस वाई टू की वैल्यू हमने यहाँ रख दी फिर ब्रैकेट वालों को करते हैं माइनस दो माइनस जीरो करते हैं तो माइनस दो ही अपने पास आते हैं जीरो प्लस छः तो छः ही आते हैं और माइनस छः प्लस दो तो माइनस चार अपने पास आते हैं क्योंकि छः माइनस के बड़े हैं इसमें से प्लस दो घटाते हैं तो माइनस चार आते हैं घटाते क्यों हैं क्योंकि ये माइनस है और आगे प्लस है तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है अब हम ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से गुणा करते हैं चार को माइनस दो से किया माइनस आठ है छः को तीन से किया अट्ठारह है और ये प्लस क्या है क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह था दोनों संख्याएं प्लस में हैं आगे प्लस का चिन्ह है मगर तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस है माइनस चार को प्लस चार से गुणा किया तो माइनस प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस का नहीं आता है चार को चार से गुणा करते हैं सोलह आता है तो माइनस आठ और माइनस सोलह ये दोनों जुड़ जाते हैं तो इसमें प्लस अठारह से माइनस आठ कम किए तो ये दस बचे और माइनस सोलह आगे लिख दिया तो एक बट्टा दो दस में से माइनस सोलह कम किए माइनस छः बचते हैं मगर हमें माइनस छः नहीं लिखने क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कभी माइनस में नहीं आता तो ये प्लस के छः होते हैं तो दो को छः से काट दिया तो दो को छः से काटा अपने पास तीन आंसर आ गया तो ए बी डी जो फर्स्ट त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल अपने पास तीन यूनिट आ गया है अब त्रिभुज ए सी डी मतलब इधर वाला जो त्रिभुज है उसको हमें ज्ञात करना है तो इसमें एक्स वन एक बटा दो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री इसकी वैल्यू तो ये आ गई वाई टू तो माइनस वाई थ्री की वैल्यू यहाँ आ गई फिर वाई थ्री माइनस वाई वन की वैल्यू यहाँ आ गई फिर वाई वन माइनस वाई टू की वैल्यू यहाँ आ गई फिर ब्रैकेट वाली जीरो में से माइनस दो कम किए माइनस दो आए छः और दो आठ आए और माइनस छः माइनस जीरो माइनस छः अब हम ब्रैकेट वाले के बारह वाली संख्या से गुणा करते हैं चार को माइनस दो से गुणा किया माइनस आठ आए फिर चार को आठ से गुणा किया बत्तीस आए और दोनों प्लस के हैं तो प्लस के बत्तीस हो गए माइनस छः को पाँच से गुणा किया तो माइनस तीस अपने पास आ गए तो यहाँ तक तो ये हो गया अब क्या करते हैं बत्तीस में से माइनस आठ कम करते हैं तो ये कितने आते हैं बत्तीस में से आठ कम करते हैं तो ये चौबीस आते हैं चौबीस प्लस के हैं और आगे माइनस के तीस हैं तो इनको घटा के माइनस के छः आते हैं मगर हमें त्रिभुज का माइनस वाला नहीं लेना है तो ये छः आ जाएंगे तो एक बट्टा दो या तो माइनस आठ और माइनस तीस को जोड़कर माइनस अड़तीस कर दो और बत्तीस में से घटा दो या मैंने यहाँ किए ऐसे कर सकते हो एक बट्टा दो गुणा छः अपने पास आ चुका है दो को छः से काटते हैं ये तीन बार जाता है दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो तीन तीन आ रहा है इसका मतलब इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो बराबर है तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री यहाँ कंप्लीट हो चुकी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए